हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। क्या होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, कैसी इनकी प्रोसीजर होती है, इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, इंडिया में किसने इसे डिस्कवर किया, और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी स्टेप्स क्या है, साथ ही इंडिया में टोटल कितने सेंटर हैं जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी से। टेस्ट ट्यूब बेबी एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस या मेथड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा जो है विमेन को प्रेग्नेंट किया जाता है। ये कहा जाए कि ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जिसमें फर्टिलाइजेशन को आउटसाइड यानी कि बॉडी के बाहर कराया जाता है, और फिर उससे जो फॉर्म होता है जाइगोट, उसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये प्रोसेस भी IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ कराकर फर्टिलाइज कराए जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन की इस प्रोसेस को हम टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन कहते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एम्ब्रियो का कल्चर होता है और एम्ब्रियो का जो ट्रांसफ़र होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एम्ब्रियो होता है, और उसी को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए इस प्रोसीजर को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। तो जब इसके डिस्कवरी सबसे पहले 1978 में जब IVF का डेवलपमेंट हुआ, उसी के साथ हो गया था, पर इस टर्म को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दिया गया, बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया। वहीं 1978 में पैट्रिक स्टिपोई और रॉबर्ट एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डिस्कवर किया था। उसी के बाद इंडिया में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने कुल 67 डेज बाद इंडिया में फर्स्ट IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का बर्थ कराया था, जिनका नाम कनु प्रिया अग्रवाल है। उन्होंने फर्स्ट बेबी इंडिया में डिस्कवर किया था, पर कुछ रीजंस की वजह से उनका नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। वैसे तो IVF की प्रोसीजर को बाद में नाम मिला, टेस्ट ट्यूब बेबी को पहले नाम मिल चुका था। अब इसके कुछ रीजंस हैं कि क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी की डिस्कवरी की गई, तो हम उसे एक स्टोरी की तरह मानते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टोरी। इसमें हम दो कैरेक्टर लेते हैं, एक होता है मेल जिसे हम M नाम देंगे, और एक होगी फीमेल जिसे हम F नाम देंगे। इसी स्टोरी से हम टेस्ट ट्यूब बेबी के फॉर्मेशन की स्टेप्स, उसकी लिमिटेशन और उसके बेनिफिट्स, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो जो M नाम का मेल और F फीमेल एक कपल हैं, और वो चाहते हैं बेबी, बट बहुत टाइम से वो नेचुरली बेबी को बर्थ नहीं दे पा रही थी। तो वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट कराते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोगों में तीन प्रॉब्लम हो सकती हैं। पहला, या तो M या F दोनों में से कोई एक स्टराइल हो। स्टराइल होने का मतलब कि वह पेरेंट्स बनने के लिए कैपेबल नहीं है, यानी कि उनकी बॉडी में प्रॉपर ओवम और स्पर्म यानी कि मेल में स्पर्म का और फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर दोनों स्टराइल हो यानी कि दोनों में ये कैपेसिटी नहीं हो कि वो पेरेंट्स बन सके, या फिर एक कुछ एज फैक्टर होते हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, यानी कि उनकी जो ओवम और स्पर्म की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं होती कि वो आपस में फर्टिलाइज करा ले। तो इस पर M और F बोलते हैं कि हमारे और टेस्ट कर लो और ये पता कर लो कि हमारी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि हम बेबी में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं चाहते। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को दूर करने के लिए भी टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज़ किया जाता है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। अब टेस्ट होने के बाद कुछ अलग अलग कंडीशंस के बारे में पता चलता है, तो हम हर एक कंडीशन का जो है डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो M और F के टेस्ट होने के बाद कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, यानी कि जिन चार कंडीशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हीं कंडीशंस को ले लेकर हम उसकी प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो हम यदि स्टेप्स की बात की जाए, तो
सारी जो जनरल स्टेप्स होती है उन्हें हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है एग स्टिमुलेशन, यानी कि फीमेल यानी जो एफ है उसमें कुछ हार्मोन्स का इंजेक्शन या ड्रग देकर उनमें एग का स्टिमुलेशन किया जाता है, यानी कि ओवम के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। ये बात आप सभी के माइंड में क्लियर होगी कि फीमेल बॉडी पर मंथ केवल एक ही ओवम का प्रोडक्शन करता है, पर कुछ हार्मोन्स और ड्रग और मेडिसिन की वजह से इनकी दोनों ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ तक कि एक ओवम से ज़्यादा भी ओवरी में ओवम फॉर्म होते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर जो कहलाती है वो कहलाती है ओवम स्टिमुलेशन या एग स्टिमुलेशन, जिसमें एग बढ़ता है। अब यदि एफ के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वह एग प्रोड्यूस कर सके तो फिर वो डोनर एग्स का यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसी कोई फीमेल का यूज़ किया जाता है जो कि उन्हें एग डोनेट करते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी में एग का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा वो इन्हें एग डोनेट कर दे फर्टिलाइजेशन के लिए। अब दूसरी स्टेप आती है एग ट्रांसफ़र। एग ट्रांसफ़र में ओवरी से एक सकिंग इंजेक्शन के थ्रू, एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, उसे सर्विक्स के थ्रू ओवरी में पहुंचाया जाता है और वहां से ओवम को सक कर लिया जाता है और उसे एक प्लेट पर या एक ट्यूब में कहा जाए ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। थर्ड स्टेप यदि हम कहें तो वो होती है स्पर्म सैंपल कलेक्शन। इस प्रोसीजर में जो मेल होता है उससे स्पर्म्स यानी स्वीमर्स का कलेक्शन करवाया जाता है। अब ये बात तो आप जानते हैं कि स्पर्म मोटाइल होते हैं और वो आसानी से बॉडी के आउटसाइड यानी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो स्पर्म कलेक्ट कराया जाता है। यदि एम स्टेराइल है तो वो कैपेबल नहीं होगा स्पर्म का रिलीज़ कराने के लिए, तब इस जगह पर कोई अदर मेल का यूज़ किया जाता है जो कि स्पर्म डोनेट करे, जिसे स्पर्म डोनर भी कहा जाता है। अब एग और स्पर्म दोनों का कलेक्शन कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म को एग के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है और जब एक से स्पर्म टकराता है तो वो उसे फर्टिलाइज करता है। यदि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कम होती है या लो होती है तब डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू ओवम में स्पर्म को एंटर कराया जाता है, जिससे कि जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप आती है जायगोट फॉर्मेशन। जब एग फर्टिलाइज हुआ है तो वह जायगोट में फॉर्म होगा और इसी जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और उसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने के लिए एक ट्यूब में जिसमें ओवम और स्पर्म को आपस में फ्यूज़ किया गया था वहाँ जायगोट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब धीरे 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 जब सेल्स डिवाइड होना शुरू होती है तो वहाँ एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। 5 दिन के अंतर्गत जो एम्ब्रियो है वो अपनी हाई एक्टिविटी शो करता है और सेल डिवाइड होना शुरू कर देता है। इस प्रोसीजर को हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट और कल्चर कहते हैं। इस प्रोसेस में जो सेंटर्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं। अब आती है लास्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जब एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप हो जाता है तो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, उसे फीमेल की बॉडी में एक माइक्रो इंजेक्शन द्वारा एंटर कराया जाता है, यानी कि उसे उसके यूट्रस में उसके वॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि कोई फीमेल कैपेबल नहीं है कंसीव करने के लिए तो दूसरी फीमेल्स का यूज़ किया जाता है, जिसे सैरोगेट मदर कहा जाता है। अब जो सैरोगेट मदर है वो कैपेबल होती है बेबी के बर्थ के लिए, यानी कि वो बेबी को आसानी से बर्थ दे सकती है, बट जो जायगोट फॉर्म हुआ है वो उसका नहीं होता, वो उन मेल और फीमेल का होता है जिनके फर्टिलाइजेशन के थ्रू जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती है। यदि मेल और फीमेल दोनों स्टराइल हो तो डोनर एग और डोनर स्पर्म और साथ ही सैरोगेट मदर का यूज़ किया जाता है। यदि मेल स्टराइल हो तो केवल फीमेल के लिए स्पर्म डोनर का यूज़ किया जाता है और उसे फर्टिलाइज कराया जाता है। यदि फीमेल स्टराइल है तो उसके लिए एग डोनर का यूज़ किया जाता है और साथ ही सैरोगेट मदर का भी यूज़ किया जाता है।
पर कुछ कंडीशंस में मेल और फीमेल दोनों कैपेबल होते हैं कंसीव करने के लिए या बेबी को बर्थ कराने के लिए, पर कुछ कंडीशंस में वहाँ सैरोगेट मदर का यूज़ करते हैं। अब जब सैरोगेट मदर का यूज़ किया जाता है तब उन जायगोट या उस बेबी पर उन्हीं पेरेंट्स का अधिकार होता है जिनका वहाँ बेबी है, सैरोगेट मदर का कोई उस पर अधिकार नहीं होता। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में IVF के टाइम मिमी मूवी का डिस्कशन किया था, वैसे ही सैरोगेट मदर भी वही होती है जो केवल बेबी को बर्थ देगी, उस बेबी पर उनका कोई राइट नहीं होता। अब जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी की स्टेप्स लगभग समान है क्योंकि IVF की ही ये प्रोसेस है। टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसीजर्स के बाद हम बात करते हैं उसके बेनिफिट्स के। तो इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि जो पर्सन यानी कि जो M और F यदि स्टराइल होंगे तब भी वह अपने बेबी को पा सकते हैं, यानी कि वह सैरोगेट मदर का यूज़ करके या एग डोनर या स्पर्म डोनर का यूज़ करके अपने बेबी को पा कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स बन सकते हैं। दूसरा मेन बेनिफिट ये होता है कि यदि किसी मेल और फीमेल में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो उस IVF प्रोसीजर द्वारा या टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा उस जेनेटिक डिसऑर्डर को कम किया जा सकता है या उसकी रिकवरी की जा सकती है। थर्ड, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का जो बेनिफिट है वो ये होता है कि बेबी हेल्थी और स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनमें साथ ही कुछ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्ट्रांग DNA या हेल्थी DNA इंसर्ट कराते हैं और टैलेंटेड बेबी जिन्हें कहा जाता है या स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है उनका बर्थ कराया जाता है। यदि इसके बेनिफिट्स हैं यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी होने के बेनिफिट्स हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर के बेनिफिट्स हैं तो वहीं इसकी लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि सबसे मेन इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, यानी कि नॉर्मल पर्सन या कहा जाए मिडिल क्लास लोगों के लिए कैपेबल नहीं हो पाते कि वह इस प्रोसीजर को करवा सके। दूसरा, इसमें बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लगता है, बहुत सारे चेकअप्स लगते हैं, बार बार टेस्ट होते हैं जिसके वजह से हमेशा उसे सपोर्ट करना फीमेल बॉडी के लिए कैपेबल नहीं हो पाता और एक्सपेंसिव होने की वजह से हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कभी कभी एक्स्ट्रा हार्मोन्स देने की वजह से, स्टिमुलेशन देने की वजह से हार्मोन का इम्बेलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मेडिकल इंजरी हो सकती है। कभी कभी फीमेल बॉडी टेस्ट ट्यूब बेबी को सपोर्ट नहीं कर पाती जिसकी वजह से बार बार बेबी मिसकैरेज हो सकते हैं। साथ ही इस प्रोसीजर में फीमेल को ज़्यादा पेन होता है क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसीजर होती है जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी पर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं यदि सेंटर्स की, तो इंडिया में अभी तक मोर देन 1000 IVF सेंटर्स हैं जो कि ऑथराइज हैं या लाइसेंस्ड हैं जिनके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कराया जाता है। अब जब टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके भी कुछ स्टेप्स होती है कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। कभी कभी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि ओवम और स्पर्म का नंबर ज़्यादा होता है, स्टिमुलेशन देने की वजह से ओवम्स का नंबर ज़्यादा होता है। साथ में जब स्पर्म से इसे फर्टिलाइज़ कराया जाता है तो ज़्यादा जायगोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। अब कुछ एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र फीमेल बॉडी के अंदर कर देते हैं बट कुछ उसे स्टोर या फ्रोजन फॉर्म में रखते हैं और कुछ टाइम के लिए, यानी कि यदि फीमेल बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया तो उस बेबी को यानी उस एम्ब्रियो को फिर से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जाता, इसे डोनर की तरह, डोनर एम्ब्रियो की तरह भी यूज़ किया जाता है कि यदि किसी मेल और फीमेल का कोई फर्टिलाइज जायगोट नहीं फॉर्म हुआ है तो इसे डोनर के फॉर्म में वो यूज़ करके दूसरी फीमेल की बॉडी में इंटर करा देते हैं। ये सारी प्रोसीजर थी टेस्ट ट्यूब बेबी की या कहा जाए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।